गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपिक है स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड एंड एमआईसीआर कोड। स्विफ्ट कोड क्या है? जब भी आप कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा स्विफ्ट कोड को कब सर्च किया जाता है? जब यूट्यूबर को पैसे आने लगते हैं एंड उसको अपना अकाउंट यूट्यूब पर लिंक करना होता है। कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आप फॉरेन जॉब के लिए शिफ्ट करते हैं, आपको अपनी बैंक डिटेल अगर ऐड करनी है, यू नीड स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एस फॉर सोसाइटी, फॉर इज फॉर नथिंग, वर्ल्ड वाइड इज डब्ल्यू, इंटरबैंक इज आई, फाइनेंशियल इज एफ एंड टेलीकम्युनिकेशन इज टी। स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड क्या होता है? एक्चुअली इसको काफ़ी जगह BIC भी लिखते हैं, बैंक आइडेंटिफायर कोड। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, डोनेशन, हर चीज़ के लिए यू नीड अ स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड बेसिकली 11 डिजिट का होता है। 11 डिजिट का जो वाइफरकेशन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देर इज फोर, फर्स्ट फोर वर्ड्स इज आपके बैंक का कोड, सेकंड टू वर्ड्स इज योर कंट्री कोड, जैसे इंडिया का IN रहेगा, फिर टू वर्ड्स इज लोकेशन कोड, 422, हाउ मच, 4, 11 में से 8 गए, 4, 2, 2, 8, 11 में से 8 का है, 3 बचे, दैट इज़ योर ब्रांच कोड। हर ब्रांच के पास स्विफ्ट कोड नहीं होता है बिकॉज उन्हें फॉरेन ट्रांजेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप बैंक वाले से लेने जाते हो स्विफ्ट कोड या BIC कोड, देन व्हाट दे डिड सेड टू यू कि हम पता करके बताएंगे। अगर उस बैंक के पास स्विफ्ट कोड नहीं होता है, व्हाट दे डिड बराबर के ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको दे देंगे एंड उससे आपका अकाउंट ट्रैक हो जाता है, पैसे आ जाते हैं। अगर कोई प्राइम ब्रांच है, जैसे मुंबई की साउथ मुंबई का ब्रांच है, तो वो 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड नहीं होगा, स्विफ्ट कोड आपका 8 डिजिट का होगा, बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड, ब्रांच कोड नहीं होगा, ठीक है, देन दैट इज 8 डिजिट। दिस इज ऑल अबाउट स्विफ्ट कोड। आपको बैंक अकाउंट के संग फॉरन ट्रांजेक्शन में स्विफ्ट कोड देना है। बेसिकली इंडियन ट्रांजेक्शन में यू हैव टू गिव IFSC कोड। IFSC कोड इज़ अ 11 डिजिट कोड। इसमें इट कैन बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक, कोई भी हो सकता है। इनिशियली 4 डिजिट इज अल्फ़ाबेट, ठीक है। इनिशियल 4 डिजिट आपके बैंक को एक्सप्लेन करते हैं, 5वां डिजिट इज ऑलवेज 0, ठीक है, एंड लास्ट 6 डिजिट अल्फा और न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं। एवरीथिंग इज, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगे तो दैट इज़ BR BAR BAR B 0, 5th इज 0, और वो आगे के वर्ड्स भी न्यूमेरिक नहीं रखते, अल्फ़ाबेटिक रखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ब्रांच का अगर BOB का होता है IFSC कोड, तो बंदे को लगता है 5th डिजिट इज़ O और 0, 5th डिजिट इज़ ऑलवेज 0, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाता है। दोनों का मिक्सचर होना था, 5th डिजिट 0 हो गया, बाकी पूरा अल्फाबेट हो गया BOB का। SBI नॉर्मली क्या करते हैं, SBIN स्टेट बैंक, देन 0 एंड देन न्यूमेरिक। तो हर बैंक अपने हिसाब से रखते हैं। IFSC कोड इज मैंडेटरी फॉर कोई भी नेशनल लेवल पे, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अकाउंट ऐड कर रहे हो, तो आपको IFSC कोड की जरूरत पड़ती ही है। थर्ड इज MICR कोड, जो आपकी चेक बुक पे नीचे चेक नंबर लिख के आते हैं, सबसे आगे जो 6 डिजिट्स का होगा दैट इज़ चेक नंबर, देन उसके बाद 9 डिजिट का जो होगा दैट इज़ MICR कोड। MICR कोड 9 डिजिट का जो होता है दैट इज़ 333। फर्स्ट 3 जो आपका होगा वो सिटी कोड होगा, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो MICR कोड के फर्स्ट 3 डिजिट्स आपके एरिया के पिन कोड नंबर के 3 डिजिट्स होते हैं। जैसे इफ़ आई एम सेइंग आप दिल्ली में हो 110, तो आपका 110 इज MICR के फर्स्ट 3 डिजिट्स, देन 3 डिजिट्स आर बैंक कोड, 001 इज RBI, 002 इज SBI, देन सो ऑन, आपके कौन सा बैंक है, 3 देन 3 देन 3। रिमेनिंग 3 डिजिट्स जब आपका बैंक आपके शहर में खुला था तो कौन से नंबर का बैंक था, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स एक्सप्लेन योर सिटी, देन 3 डिजिट्स एक्सप्लेन योर बैंक, देन 3 डिजिट्स इज योर लोकेशन, दैट इज़ MICR। सबसे कम इसमें MICR का ज़रूरत पड़ता है, सबसे ज़्यादा आपको IFSC कोड का ज़रूरत पड़ेगा बिकॉज ऑफ लोकल ट्रांजेक्शन्स तो एटलीस्ट करोगे ना यार,
एंड स्विफ्ट कोड का ज़रूरत आपको फॉरेन ट्रांजेक्शन में पड़ेगा, बट जब फॉरेन ट्रांजेक्शन में ज़रूरत पड़ता है तो आधों को नॉलेज नहीं होती है, इसलिए स्विफ्ट कोड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो MICR इज 9 डिजिट, IFSC इज 11 डिजिट एंड स्विफ्ट कैन बी 8 और कैन बी 11, डिपेंड आपका लोकेशन कितना प्राइम है, ठीक है। इफ़ एनीथिंग आपको स्विफ्ट कोड अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो फाइंडर मिलेगा, बट फाइंडर्स में आपका मेन सिटीज़ ही मिलेंगे, छोटे शहर या छोटी लोकेशंस नहीं मिलेंगी। यू हैव टू गो योर ब्रांच एंड आपको वहाँ से ही निकालना पड़ेगा स्विफ्ट कोड। एंड प्रसून की पॉकेट में आज के वीडियो का टॉपिक वॉज थोड़ा छोटा, बट एक्चुअली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको फाइनेंस में आगे डिटेल्स के लिए, क्योंकि 90% बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रांजेक्शन में तो यही होता है, बंदा जीरो की जगह ओ पुट कर देता है और IFSC कोड गलत होने की वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो रिमेंबर, फिफ्थ डिजिट इज ऑलवेज जीरो। थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।